नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नाउ जे जे थॉम्सन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। कंक्लूडेड, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इस कैथोड रे में से बीम्स आ रही है, जो इस तरह से बीम बन रही है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये शेडो कास्ट करती है, तो इसमें मास भी है, एनर्जी भी है, और इसके अलावा ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। सो ऑन बेसिस ऑफ दीज कंक्लूडेड दैट द बीम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बीम कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो भी वो बीम है, कौन सी बीम? कैथोड रे। जिस बीम की बात कही गई है उसको कैथोड रे कहा गया, और उन्होंने बताया कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, विच आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग मास। तो जे जे थॉम्सन ने इसका मास कैलकुलेट किया और सारी चीजें बताई। सो इट इज 9.01 इंटू 10^-31 kg एंड चार्ज। सो ये उनके आगे के कैलकुलेशंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया गया। अभी तो आप ये जान लीजिए कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से इन्होंने कई कैलकुलेशंस किए और उसके बेसिस पे ये पता लगाया। 10th में हम जान जाएंगे कैसा होगा। एंड चार्ज -1.6 इंटू 10^-19 कूलम। कूलम जो है चार्ज की यूनिट है, तो इतना इसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, एंड इसका इतना चार्ज है। दैट वाज कंक्लूडेड बाई जे जे थॉम्सन। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1897 में किया। सो ही हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इन 1897 बाई कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी वीडियो में। सो बाई यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। सो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो हमें ये याद रखना है 1897 में जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है और इसलिए उसे उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, और ये टर्म भी इन्होंने ही दी थी इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड जो दिया है ये जे जे थॉम्सन का ही दिया हुआ है और उसको इनको नोबेल प्राइज मिला था। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, ये एटम के अंदर रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल सी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई यूजन गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की
की थी। ई गोल्ड स्टीन हैज डिस्कवर्ड इट यूजिंग, जैसे हम लोगों ने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ली है तो उसी में कैनाल रेज भी आती है, दैट वी विल सी, यूजिंग कैनाल रेज। लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन वॉज कन्फर्म्ड बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लेटर ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन वॉज कन्फर्म्ड बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1917 बाई अल्फा पार्टिकल, ये इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये सभी आपकी बुक में दिया, इसको अभी हम देखेंगे। तो कुछ लोग प्रोटॉन का डिस्कवरर गोल्डस्टीन को मानते हैं और कुछ लोग रदरफोर्ड को मानते हैं, तो नेट में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब आपकी बुक में गोल्डस्टीन का नाम दिया हुआ है तो हमने गोल्डस्टीन लिखवा दिया है, अदरवाइज बुक में नेट में देखेंगे तो जगह जगह रदरफोर्ड का नाम दिया है क्योंकि उन्होंने उसको कन्फर्म किया था। सो गोल्डस्टीन वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, हाउ एवर लेटर ऑन रदरफोर्ड हैज कन्फर्म दैट दीज आर प्रोटॉन्स। सो तो कई चीजें यहां पर आ गई हैं, जैसे कैनाल रे आ गया है, अल्फा पार्टिकल। सो वन बाय वन वी विल सी देम कि वॉट इज दिस एंड हाउ द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। सो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, लाइक दिस। इन्होंने जो कैथोड रे ली वो परफोरेटेड ली, ये कैथोड है। अगर कैथोड ऐसा लो कि उसमें बहुत सारे होल्स बने हो, ऐसा मेटल की प्लेट तो होती है और इसमें होल्स बने हो, और इसको निगेटिव यहां पर ये कैथोड है तो कैथोड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो कैथोड ले लिया और यहां पर एक और प्लेट ले ली जो कि एनोड है। फिर इसको आप एक की से स्विच से कनेक्ट कर दें और स्विच के बाद इसको कनेक्ट कर दें तो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इसको एक वैक्यूम ट्यूब में इसमें से गैसेस निकाल दें, सो दिस इज वैक्यूम चैम्बर जो कि इसकी गैस को आउट कर देगा। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत तो गैस बची रहेगी। ये प्लस टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये माइनस टर्मिनल हो गया, निगेटिव है। इसमें कोई गैसेस बची रह गई, मान लीजिए अगर हम ये मान लें कि इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है तो इसमें हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है, सिंपलेस्ट एटम। तो अगर मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो अब क्या होता था कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, कैथोड रे कैसे चलती थी, कैथोड रे ऐसे चलती थी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और वो तेजी से किस ओर चलते थे, पॉजिटिव टर्मिनल को डिस्चार्ज होने के लिए। यही तो कैथोड रे ट्यूब है कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में डिस्चार्ज होते हैं, इनको तो हम कैथोड रे कहते हैं जो कि ग्रीन कलर की होती है। अब इसमें जो हाइड्रोजन थे उनका क्या हुआ, हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन और आउटर में एक इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया,
तो इसके टकराने के बाद ये यहां से हट गया, तो अब यहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए। एक तो इस ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इसको भी इसने आउट कर दिया, सो आयोनाइज कर दिया और खुद भी आ गया। अब सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन बचा। तो जब पॉजिटिव टर्म, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो हाइड्रोजन एटम है। इसमें हमने कौन सी गैस भरी है? दैट इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो उस गैस में से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये प्लस चार्ज इधर चलता है। तो अब ये प्लस चार्ज आगे बढ़ा, ये जो प्लस चार्ज है इनसे होते हुए, जो यहां पर हमने इनमें छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं उनसे होते हुए, बहुत सारा तो यहां डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन बहुत सारा तेजी से आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो प्लस चार्ज है इनसे होते हुए ये होल से पास हो जाएगा और इधर निकलेगा। अब इसमें भी एनर्जी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बड़ी तेजी से आता है और कई बार डिस्चार्ज ना होकर इस होल से पास हो जाएगा। तो जब वो इस होल से पास होगा तो वो यहां आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो इधर से पास होंगे होल से और इधर आएंगे। और यहां पर आप क्या करो, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब लगा लो, यानी एक ऐसी स्क्रीन की जिस पर कभी भी कोई चीज हिट करे। ऐसी स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की, ZnS। तो जो हम लोगों के टीवी में ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है वो जिंक सल्फाइड की होती है। जब उस पर पीछे से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो हमको टीवी में पिक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, तो वो जहां स्ट्राइक करते हैं वहां पर एक स्पार्क पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से सिंटिलेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें पिक्चर ट्यूब में पिक्चर दिखाई पड़ती है। और हम जानते हैं कि मैग्नेट से वो जो बीम है कैथोड की वो हिल उल सकती है, तो उसी वजह से जो मूविंग पिक्चर हमको टीवी में दिखाई पड़ती है वो उसी वजह से होती है। और उसकी स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन जिंक सल्फाइड की, इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। तो हमने इसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन ले ली। अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, तो जब ये प्रोटॉन हिट करते हैं तो वहां एक चमक पैदा करते हैं, बहुत एक सिंटिलेशन स्पार्क पैदा करते हैं, तो एक ऐसा शाइनिंग पैदा करते हैं जो कि 10 सेकेंड्स तक रहती है फिर गायब हो जाती है। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये पॉजिटिव रेज हैं जो कि इधर मूव कर रही हैं। तो ये बात ऐसा मन में आइडिया आया रदरफोर्ड के कि क्यों ना परफोरेटेड कैथोड बनाई जाए, और उससे जो रेज निकलेंगी, चूंकि कैनाल का मतलब सुरंग होता है, क्योंकि हमने यहां देखा ना इसको कैनाल कहा गया, तो इसका मतलब है कि कैथोड रे ट्यूब में सिर्फ निगेटिव चार्ज ही नहीं होते बल्कि पॉजिटिव चार्ज आयंस भी होते हैं जो कि कैथोड की ओर मूव करते हैं। निगेटिव चार्ज इधर मूव करते हैं और जब उनके गैस के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, वो कैथोड की ओर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो एनोड की ओर मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज या गैस के कैटायंस एनो इधर कैथोड की ओर मूव करते हैं और इसके होल से होते हुए निकल जाते हैं। चूंकि ये होल से होकर निकल रहे हैं, चूंकि ये सुरंग से होकर निकल रहे हैं, चूंकि ये कैनाल से होकर निकल रहे हैं, इसलिए इन रेस को कैनाल रेस कहा गया, कैनाल रेस। सो इफ परफोरेटेड कैथोड इज टेकन, ये कैथोड है, सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। हमेशा कैथोड निगेटिव चार्ज होता है। सो गोल्ड स्टीन हैज टेकन परफोरेटेड कैथोड। गोल्ड स्टीन हैज टेकन परफोरेटेड कैथोड एंड ऑब्जर्व दैट सम पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस आर कमिंग आउट ऑफ इट, दैट सम पॉजिटिव चार्ज्ड गैसियस आयंस, क्योंकि गैस भरी होगी उसी के आयंस है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस प्लस बचा। गैसियस आयंस आर कमिंग आउट फ्रॉम
होल्स ऑफ परफोरेटेड कैथोड। Moves from holes of perforated cathode and moves ahead to produce scintillation. On सिंटिलेशन का मतलब चमक होती है। सिंटिलेशन ऑन जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसे धूप का चश्मा होता है तो सनग्लासेस में क्या होते हैं, जैसे सनलाइट पड़ती है तो उसमें सिंटिलेशन आ जाते हैं, थोड़ी देर में उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर उसे शेडो में रख दो तो 20 मिनट्स के बाद फिर वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है ग्लास में, और सन में जाओ तो सन रेज में उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। धूप में क्या होता है कि जब सन रेज पड़ती है चश्मे पे तो उसमें वहां पर उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू एनर्जी ऑफ सन रेज, और यहाँ पे इन पॉजिटिव चार्जेस की एनर्जी की वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है। सो दैट इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो ये जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उस पर सिंटिलेशन पैदा होता है, ऐसा गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया। गोल्डस्टीन हैज टर्म्ड दीज रेज एज कैनाल रेज और एनोड रेज। उनको ये लगा कि ये एनोड से चल रही है, उनको ये नई बात पता चली कि ये कहीं जो गैस है उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बचा है और वही चल रहा है, ये बात वो पता नहीं कर पाए। सो गोल्ड स्टीन हैज टर्म्ड दीज रेज एज कैनाल रेज या फिर एनोड रेज, कहा उन्हें लगा एनोड से आ रही है। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाई गोल्डस्टीन। नाउ लेट अस सी द वीडियो ऑफ कैनाल रे एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज रेज आर एंड वॉट आर देयर प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस सी वॉट वॉज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ कैनाल रेज। कैथोड रे ट्यूब को कैसे परफोरेट किया और गोल्डस्टाइन का क्या सेटअप था एंड हाउ दीज आर फॉर्म्ड एंड वॉट आर इट्स प्रॉपर्टीज। This is canal rays. E. Goldstein constructed a special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. Like hydrogen molecules यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted See, from the two cathode electrons are coming. collide with One the residual electron, gas which is molecules. coming, और उसमें से भी These एक निकाल लिया। collisions knock an electron out of each Again, gaseous see. atom, generating positively charged ions. Which are accelerated towards the cathode and they pass. See, when electrons are moving from here and they hit hydrogen atom, these are hydrogen gas. So, hydrogen का भी इलेक्ट्रॉन डिग आउट हो जाता है, तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कैथोड रे बोथ मूव टूवर्ड्स एनोड एंड गेट डिस्चार्ज। और जो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन बचता है वो इस ट्यूब से होता हुआ इधर आ जाता है। लेट अस अगेन सी द कंप्लीट प्रोसेस, कैसे एक इलेक्ट्रॉन टकराता है तो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि एक वो जो इलेक्ट्रॉन आया है और जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है दोनों निकल जाते हैं और पॉजिटिव सेंटर या न्यूक्लियस जिसको प्रोटॉन कहते हैं वो परफोरेटेड ट्यूब से इधर आ जाता है। लेट अस सी इट अगेन। Applied with high voltage. The electrons See, emitted from the and cathode this is moving collide with the from residual perforated gas tube here. You can see. molecules. These
और यहाँ टू इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर से देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया आयंस व्हिच आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कैथोड एंड दे पास थ्रू द होल्स इन द कैथोड। यहाँ देखिए ये सिंटिलेशन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑन द बैक ऑफ द ये सिंटिलेशन। सो इन दिस वे कैनॉन रेज पता की गई कि कैसी हैं और ये कंटिन्यूअस होता रहता है एंड दे प्रोड्यूस सिंटिलेशन। दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। WVM सक्सीडेड इन डिफ्लेक्टिंग द कैनॉन रेज। दीज आर द कैनॉन रेज क्योंकि ये कैनॉन से हो रही हैं। सिंगल होल भी लिया जा सकता है। Introduced two plates behind the cathode. अगर हम एक अलग से इलेक्ट्रिसिटी पास करें टू प्लेट्स में तो फिर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। Applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electro. See, उन्होंने दो प्लेट ली वीन ने और ये बात देखी कि अगर हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दें एक को निगेटिव तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बीम है वो निगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप इसको सेल से जोड़ दें और एक टर्मिनल को माइनस पे लगा दें एक को प्लस में घर में जो सेल आता है 1.5 वोल्ट का तो ये इधर की ओर आ रही है। इससे इन्होंने पता लगाया कि ये पॉजिटिव चार्ज बीम है। सो ये भी पता लग गया कि कैनॉन रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। आगे देखें ये पॉजिटिव तभी माइनस की ओर आ रही है। Therefore, these are often called as positive rays. Now let us understand canal rays with some other experiment. Now rays, let us look at Goldstein's experiment setup. Goldstein used a discharge tube, like that of Thomson, with an anode and a perforated cathode in the middle. He also used a fluorescent screen at the other end to this is zinc sulfide fluorescent screen. At the pressure of about 1 millimeter mercury, there were cathode rays from the cathode towards the anode. This is cathode ray. Behind the cathode, we also observed a luminous stream of particles proceeding in the opposite direction of cathode rays. So this is rays. Positive rays. Goldstein called them canal rays as they passed through canal-like holes and came out on the other side. Now, properties of canal rays. So canal rays are positively charged gaseous ions. क्योंकि किसी ये जरूरी नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन ही आप फिल करें तो यहाँ हाइड्रोजन है। यू कैन फिल एनी अदर गैस। सो अलग अलग गैसेस में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। हाइड्रोजन में तो सेंटर में एक प्रोटॉन होगा। किसी किसी में अगर आप हीलियम ले लेंगे तो टू प्रोटॉन्स होते हैं। तो अलग अलग गैसेस में अलग अलग प्रोटॉन्स होंगे और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस बन जाएंगे। सो कैनॉन रेज क्या हैं? आर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस विच मूव्स टूवर्ड्स कैथोड विच मूव्स टूवर्ड्स कैथोड। ये कैथोड की ओर चलती हैं जो कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। मूव्स towards cathode that is negative electrode and pass through holes of it. तो ये होल से पास होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे हमने अभी वीन के एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर एक हम पॉजिटिव प्लेट लगाएं और एक निगेटिव प्लेट लगाएं तो ये निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक अगर आप ऐसे कैनाल रे लें और यहाँ पर आपने एक परफोरेटेड डिस्क बना दी है सो ये जो भी बीम्स आएंगी और एक यहाँ पर भी आपने ये तो निगेटिव चार्ज कर दिया। देखिए
निगेटिव निगेटिव की प्लेट छोटी होती है सेल में, तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये तो कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इसके बाद अगर यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज बीम निकलेंगी, कैथोड तो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की जो बीम निकलेंगी, तो एक प्लेट आप ऊपर लगाओ और एक प्लेट नीचे लगा दें और उनको फिर से आप एक अलग बैटरी से जोड़ें, तो यहाँ पर आप एक दूसरी बैटरी ले लें और उससे फिर से कनेक्ट करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इनमें भी चार्जेस आ जाएंगे, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जैसे माइनस है और ये प्लस है, तो ये सब माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें सब माइनस माइनस हो जाएंगे और इसमें सारा प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं वो किधर डिफ्लेक्ट होंगे, इधर, क्योंकि निगेटिव क्यों डिफ्लेक्ट होंगे, सो कैनाल रे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, सो दीज आर कन्फर्म, इट इज कन्फर्म दैट दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो कैनाल रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, कैथोड रे अगर यहां पर होती इधर की ओर, तो आप अगर यहां पर लगाते तो कैथोड रे पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट होती, एक प्लेट यहां भी लगा सकते हो, तो आप देखेंगे कैथोड ऊपर जा रही है क्योंकि वो निगेटिव चार्ज होती है तो प्लस की ओर जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो माइनस माइनस है, माइनस की ओर जा रहा है, सो दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, सो इट कन्फर्म्स दैट कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, इट कन्फर्म्स दैट कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, दे गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां मैग्नेट लाओगे तो भी इनमें डिफ्लेक्शन होगा, बट इनका डिफ्लेक्शन कैथोड रे, यहां पर कैथोड रे भी मूव है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इससे कैथोड रे और जो गैसीय आयंस हैं वो इधर चलते हैं फिर यहां आते हैं, तो जैसा कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो रही थी नॉर्थ लाने पे, मान लो इसमें नीचे डिफ्लेक्शन है, यहाँ नॉर्थ लाओगे तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगी, यहाँ नॉर्थ लाओगे तो रिपेल हो रही है यहाँ, क्योंकि अपोजिट नेचर का है, सो दे ऑल्सो गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेट बट अपोजिट टू कैथोड रे, इससे भी पता चलता है कि इनमें कुछ चार्जेस का नेचर अलग होगा, सो कैनाल रेज गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन वी ब्रिंग मैग्नेट नियर इट, बट इट डिफ्लेक्ट्स अपोजिट इन डायरेक्शन टू कैथोड रे, बट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू कैथोड रे, ये है। इसके अलावा इनमें भी एनर्जी एंड मोमेंटम है क्योंकि इनमें भी मास होगा, ये गैसीय साइंस है, दे हैव एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों चीजें हैं, मोमेंटम एम वी होता है और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है। इसके अलावा दे प्रोड्यूस सिंटिलेशन ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अगर यहां इसको पेंट कर दें जिंक सल्फाइड से जैसे कि टीवी स्क्रीन में होता है, तो ये चमक पैदा करते हैं, इट प्रोड्यूस सिंटिलेशन ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जेड एन एस स्क्रीन, सो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर कोई चीज भारी है, मान लीजिए हैवियर गैसीय साइंस है, अगर आप यहां पर कोई बड़ी ऐसी गैस लेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो हैवी है,
तो ऐसे केस में थोड़ा ही डिफ्लेक्ट होंगी। और लाइटर हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, उसमें एक ही प्रोटॉन है सेंटर में, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट गैसेस फील्ड इज डिफरेंट। अलग अलग गैस भरोगे तो अलग अलग अमाउंट का डिफ्लेक्शन है, क्योंकि गैसीय आयंस सबके अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव आयन बचेंगे, वही यहाँ पर इस होल से निकल कर यहाँ आ रहे हैं और प्लेट निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट गैसेस फील्ड इन कैनाल रे ट्यूब फॉर डिफरेंट गैसेस इज डिफरेंट। तो जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है कि कौन कितना डिफ्लेक्ट करेगा, वो हर एक के लिए अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई कैनाल रेस की। कैनाल रे के बारे में रदरफोर्ड इतना ही बता पाए, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि प्रोटॉन इसमें क्या है और इसका मास क्या है, उसका चार्ज क्या है, ये सारी कोई भी बात नहीं बता पाए, ये गोल्डस्टीन नहीं बता पाए। तो इस बात को रदरफोर्ड ने बताया। सो लेटर ऑन रदरफोर्ड हैज स्टडीड दिस एक्सपेरिमेंट एंड अल्फा पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने बताया कि द चार्ज, वो हम बाद में देख लेंगे, बट रदरफोर्ड ने और क्या चीज देखी। सो रदरफोर्ड हैज, इसमें आगे उन्होंने और डिस्कवरी की, एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कैनाल रेज। ये एक्सपेरिमेंट ये सारा गोल्डस्टीन का था, लेकिन रदरफोर्ड ने इसका मास बता दिया और चार्ज बता दिया, इसलिए इनको भी कंट्रीब्यूशन जाता है। प्रेजेंट इन कैनाल रे एंड टर्म्ड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें जो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो बचता है वो प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया। दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एज प्रोटॉन एंड कैलकुलेटेड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या क्या चार्ज निकाला, कैलकुलेटेड चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब एंड मास, और मास क्या निकाला ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 × 10⁻²⁷ kg। तो रदरफोर्ड ने ये सारी बात बताई। प्रोटॉन इज, अगर एग्जैक्टली देखोगे तो 1836 टाइम्स हैवियर है, और अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 1840 टाइम्स। तो बुक में कई जगह अप्रोक्सीमेटली भी दिया हुआ है। सो प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स, ये अप्रोक्सीमेटली है, हमने आपको पहले ही बता दिया 1836 टाइम्स है, लेकिन बुक में ये लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूं, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। दो बोथ बियर सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों में सिमिलर चार्ज है लेकिन वजन सबका अलग अलग है। चार्ज अलग एस्पेक्ट है, चार्ज के बारे में हमने देखा वीडियोस, और मास अलग चीज होती है। सो इज अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो
तो आप इसको, इट इज ए मैटर ऑफ रिसर्च, आपकी बुक में गोल्ड स्टीन दिया है तो आप गोल्ड स्टीन लिख सकते हो, बट आगे के जो साइंटिस्ट हैं वो रदरफोर्ड को इसका कंट्रीब्यूटर मानते हैं कि 1917 में रदरफोर्ड ने इसको जो है डिस्कवर किया है, उन्होंने इसके सारे डिटेल्स दिए। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इन 1932, 1932 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। सो ही हैज बम्बार्डेड। नाउ ही हैज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। इसको अल्फा कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। सो ही हैज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम का क्या मतलब है? जैसे कि हीलियम के सेंटर में टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रहते हैं, और साथ ही साथ उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये जो सेंटर में बच रहा है वही अल्फा पार्टिकल है। तो उसमें टू पॉजिटिव चार्ज होगा और टू न्यूट्रॉन होगा। तो ये है, अगर इसमें से हम ये टू इलेक्ट्रॉन अलग कर लें तो आपके पास जो चीज बचेगी वो टू पॉजिटिव चार्ज है और टू न्यूट्रॉन है, तो ये सेंटर बचेगा। यानी अब इसके पास सिर्फ टू पॉजिटिव चार्ज बचा और टू न्यूट्रॉन बचा जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। वैसे भी अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसे हीलियम का सिंबल एच ही होता है, तो टू प्लस माना जाएगा क्योंकि अब सेंटर में टू प्रोटॉन बचे हैं, इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अगर इसका बम्बार्डमेंट हम बेरिलियम में करें, ही हैज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम। सो इन्होंने इसको बेरिलियम में बम्बार्ड किया एंड फाउंड, और क्या पाया? एंड फाउंड दैट बेरिलियम हैज कन्वर्टेड इनटू कार्बन एटम एंड वन मोर पार्टिकल इज रिलीज्ड विच डज नॉट डिफ्लेक्ट इन टूवर्ड्स पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट। ऐसा पार्टिकल निकला है जो ना तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है ना निगेटिव प्लेट की ओर। निगेटिव प्लेट, जैसे कि अगर हम हीलियम को लें तो हीलियम का एटम क्या होगा? उसमें टू प्रोटॉन होंगे और टू न्यूट्रॉन होंगे, और इसी को हमने बताया अल्फा पार्टिकल है। सो अल्फा पार्टिकल ऐसा है। इसको हमने किस पे बम्बार्ड किया? बेरिलियम पे। जरा बेरिलियम के बारे में सोचिए, बेरिलियम के सेंटर में फोर प्रोटॉन होते हैं एंड फाइव न्यूट्रॉन होते हैं, ये बेरिलियम का सेंटर है। तो अगर हमने बेरिलियम, बेरिलियम में फोर प्रोटॉन फाइव न्यूट्रॉन, और इसके आउटर में जब फोर प्रोटॉन है तो इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इस तरीके से बेरिलियम है, फोर प्रोटॉन
और ये देखिए के शेल और एल शेल, टू और टू का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चीज हो गई। अब हमने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड किया, जब न्यूक्लियस को न्यूक्लियस पर तेजी से बम्बार्ड करते हैं तो वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से चिपक जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ भी लिया है कि लाइटर न्यूक्लियस जब आपस में हिट करते हैं तो वो मिलकर एक बन जाते हैं। तो ऐसा होने से अब दो चीजें निकली, ये इसी में फ्यूज हो गया, तो 4 प्रोटॉन + 2 प्रोटॉन मिलके क्या बन जाएंगे, देखो 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन जुड़ गए। 5 प्रोटॉन और + 2 न्यूट्रॉन, तो ये ऐसे नहीं जुड़े, टोटल 7 होते हैं लेकिन 6 ही रहे। तो देखो 6 यहां रहे और 1 न्यूट्रॉन अलग हो गया, तो जो 1 न्यूट्रॉन अलग हो गया उसको, तो ये जो बेरिलियम है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जरा इसके बारे में सोचो, क्या ये कार्बन का न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो ये बन गया कार्बन एटम। और देखो टोटल कितने न्यूट्रॉन है, 2 + 5 7 है, तो यहां तो 6 है। आप पूछेंगे 1 न्यूट्रॉन कहाँ गया, तो न्यूट्रॉन कहीं नहीं गया, वो न्यूट्रॉन एक अलग से आया। अब उसको जब मैंने पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगाई तो ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं किया, ये सीधे निकल गया, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। जब ना ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव की ओर भी नहीं जा रहा, तो ये न्यूट्रल है। और पहले भी हमने बताया था कि जब प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है तो वही एक न्यूट्रॉन बनता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रली हुआ, क्योंकि चार्जेस अपोजिट हैं जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए यही न्यूट्रॉन है। सो इट नाइदर डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ओवर बेरिलियम एटम देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन एटम प्लस न्यूट्रॉन, तो ये रिएक्शन हो गई। दिस न्यूट्रॉन, जब ऐसा किया गया और इस न्यूट्रॉन को हमने पास किया, सो दिस न्यूट्रॉन बीम डज नॉट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट, दिस न्यूट्रॉन बीम ऑल्सो डज नॉट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेट, मैग्नेट के लाने पर भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। सो दिस न्यूट्रॉन बीम, न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रॉन कह रहे हैं, न्यूट्रॉन बीम ऑल्सो डज नॉट डिफ्लेक्ट या गेट डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक ने किया अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। बम्बार्डमेंट, जैसे ये बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम भी एक मेटल है, और उस पर बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल कौन निकालता है, यूरेनियम, तो यूरेनियम एक अनस्टेबल मेटल है, रेडियो एक्टिव, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, 20 20 मिनट में एक एक अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं। सो ये अनस्टेबल मेटल है, सो अनस्टेबल यूरेनियम एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक, एलिमेंट यूरेनियम। तो ये अनस्टेबल, इसके सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल ये रिलीज करता रहता है, तो वही जो अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं वो इसकी ओर बम्बार्ड किए गए हर 20 मिनट्स में। ये अल्फा पार्टिकल हमारी बॉडी में चली जाए तो हम लोगों की डेथ हो जाए, ये इतने डेंजरस है, इसीलिए तो इसको रेडियो एक्टिव कहते हैं कि वेरी डेंजरस है। सो अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलते हैं, उन्हीं का बम्बार्डमेंट किया गया, तो थोड़ी देर बाद देखा तो जो बेरिलियम मेटल था वो पूरा कोयले में कन्वर्ट हो गया, कार्बन तो कोयला होता है, सो इट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इंटू कार्बन, कन्वर्ट हो गया, सो इट इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन, और प्लस कुछ बीम्स और भी इसमें से निकलती दिखाई पड़ी, वो बीम्स कौन सी थी, सो दीज वर न्यूट्रॉन्स, ऐसा देखा गया। तो
तो ये एक्सपेरिमेंट्स जेम्स चैडविक ने किया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग की, तो कोयले में बदल गया और न्यूट्रॉन निकले। सो ही कैलकुलेटेड द चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो ना पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना निगेटिव प्लेट की ओर। सो न्यूट्रॉन बियर नो चार्ज, ये जेम्स चैडविक नहीं बताया, दैट इज जीरो कूलम एंड इट्स मास इज 1.6 एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो 667 है, अदरवाइज कुछ लोग 1.67 भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, इसको बढ़ा दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, into 10^-27 kg। सो इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास ये होता है, एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड टू, इट्स डिस्कवरी इज कंट्रीब्यूटेड टू जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हाउ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। प्रोटॉन और ये 1897 में डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। सो 1917, और न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया, दैट इज 1932। तो ये थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड एटम। इनका जो चार्ट ऑफ कंपेरिजन है कि किसमें कितना चार्ज है, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इन प्रीवियस वीडियोस कि कितना कितना चार्ज है, वो सारी बातें बताई जा चुकी हैं। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जैसे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल प्रोजेक्ट किए, तो उनमें क्या बातें थी। थैंक यू बच्चों।